नमस्कार दोस्तों, बोनसाई केसरी के एक और बढ़िया वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है मेरा करासुला ओवाटा का प्रोग्रेसिव बोनसाई। इसको मैंने जो मेरे चैनल पे जो पिक लगी हुई है करासुला ओवाटा बोनसाई की, उसकी कटिंग से बनाया है। ठीक है, तो इसमें अभी तीन कटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ से आप देखोगे तो दिख जाएगा, इसके अंदर तीन कटिंग लगी हुई है। मैंने उसी से केवल लगाई है। आई थिंक इसमें 2 ईयर्स से इसी छोटे से पॉट में लगी हुई है। अभी काफ़ी हैवी हो गया ऊपर से, तो मैं इसको क्या करना है, आज इसको एक्सरसाइज करेंगे हम, इसको हटाकर तीनों को अलग अलग पॉट में लगाएंगे। ये वाला ऑलमोस्ट सही एकदम अपराइट बोनसाई बन चुका है, तो इसको अलग देंगे हम ताकि अलग से बढ़ना स्टार्ट करे। ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करेंगे ताकि इसका रेमिफिकेशन हो, ब्रांचेज नई सारी आएँ, और छोटे वालों देंगे वो भी मोटे हो जाएंगे और उनके भी फिर कोई और स्टाइल बनाएंगे। एक बार फॉरेस्ट और भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। करासुला ओवाटा का मेरे पास कोई फॉरेस्ट नहीं है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस पर। आज यही हमारा आज का टॉपिक है, करासुला ओवाटा रीपॉटिंग, रूट करेक्शन, सॉइल मिक्सचर और इसका ब्रांच करेक्शन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसको डीमोल्ड कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें से निकाल लेते हैं इसके जो पुराना पॉट है, छोटा सा पॉट है 4 इंच का और 2 साल से इसी में लगा हुआ क्योंकि कटिंग लगाई थी मैंने। तो उसको डीमोल्ड करने के लिए इस टाइप से निकल आया है पूरा, है ना। ज़्यादा इसकी जड़ें होती नहीं है, छोटी छोटी जड़ें होती है। देखिए छोटा सा इसका रूट बॉल होता है, बहुत छोटा सा। इसमें आप देखोगे तो एक भी रूट है नहीं, ऐसा नहीं कि रूट टूट गई है, रूट होती ही नहीं है इसमें, बहुत कम रूट होती है। तो दिख रहा है, एक बार मैं पास से दिखाता हूँ। है ना, तो देखिए ये इसका छोटा सा रूट बॉल है बस। तो बस इसको अब हम दूसरे पॉट में लगा देंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ट्विन ट्रंक बन सकता है ये। ऐसे ही ये वाला है, इसका अलग टाइप का ग्रोथ है थोड़ा सा, है ना। इसकी रीपॉटिंग करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि देखिए इसमें सारी ब्लैक रूट्स हो रही हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि सारे के सारे वो 4 इंच में लगे हुए थे, तो इसकी रिपोर्टिंग करना इसलिए ज़रूरी है। अब हम इसको नया पॉट देंगे ना, तो उसमें न्यू फाइबरस रूट्स निकलेंगे वाइट कलर के एकदम बढ़िया से, और ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। सेम इसके साथ, ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत भारी है, अराउंड अभी तो इसका वजन 2 kg के आसपास होगा। इसकी पत्तियां बहुत मोटी और बहुत भारी होती है, देखिए पत्तियों में ही बहुत ज़्यादा वजन रहता है। इसका भी हम थोड़ा सा ज़्यादा इसका रूट बॉल डिस्टर्ब करना नहीं है, छोटी छोटी ये रूट है इनकी।
ये यहाँ से मैंने इसको कटिंग लगाया था वो वहीं से है ये, बाकी ऐसा है। तो ठीक है, पहले हम इसका अब रूट करेक्शन आई थिंक कुछ करना नहीं है क्योंकि रूट्स तो है ही नहीं ज़्यादा, है ना, और इसमें होती ही नहीं है रूट। मैंने काफ़ी बार पहले वाले भी जो अपने ओवाटा के जो भी बोनसाइज हैं इनको मैं जब भी निकालता हूँ तो ज़्यादा रूट उनमें बाउल होता नहीं है, इतना ऐसा ही होता है। तो अब हमने क्या करना है, ब्रांच करेक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 2, ब्रांच करेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रूट करेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे वाला, इसमें क्या है, मैंने एक पेपर कटर जो है काफ़ी बार मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ, ये पेपर कटर साफ है, ठीक है, इसी से जो है हम इसका रूट करेक्शन करते हैं, सॉरी ब्रांच करेक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, काफ़ी मच्योर है इधर, ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो है काफ़ी काफ़ी अच्छे से मच्योर दिख रहा है, बढ़िया इसमें स्केलिंग भी आ रही है, जबकि ये 2 ईयर्स ओल्ड है, आई थिंक 2 ईयर्स, हाँ कटिंग से ही लगाया है मैंने। तो लेट्स सी, और बहुत आराम से इससे कट जाता है, सॉफ्ट मटीरियल है एकदम, ये देखिए वो वाला, ठीक है, इसका ये वाला हटा देंगे हम अनवांटेड, बहुत ही प्यार से कट जाता है एकदम। इसमें भी हमें इतना लंबा, यहाँ से फैनिंग हो रही है तो हम इसको रखेंगे और पहले वाले से ही इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है ना, पुरानी लीव्स जो भी हैं उनको हटाते जाएंगे इस टाइप से। तो भी इतना बड़ा ब्रांच हमको चाहिए नहीं है तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। और जितनी भी ये कटिंग्स निकल रही है ना इनका भी हम यूज करेंगे, क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बस इसका ऑलमोस्ट हो गया है, एक एक ब्रांच में मैंने एक एक दो दो छोड़ दिए लीव्स, नीचे से थोड़ी सी इसकी ट्रिम कर देता हूँ। है ना, तो देखिए ये तो बन गया हमारा एक रेडी टू प्लांट। ठीक है, ये सब बोनसाई में करना ही पड़ता है। देखिए यहाँ से मैंने काटा है तो ये जा रही है, जैसे एक ब्रांच है, एक से एक इधर से निकली है तो अभी यहाँ से मल्टीपल निकलेंगी, उसके बाद जब ये इधर से जा रहा है तो बढ़िया से टर्न लिया इसने, इधर पे 2 हो गई, इनफैक्ट इस जंक्चर से 2 हुई, वहाँ से फिर ऊपर से 2 हुई, तो अभी यहाँ से मैं अज्यूम करूँगा इधर से 2 हो जाएंगी, इधर से 2 हो जाएंगी, इधर से भी 2 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप जब रेगुलर कटिंग करेंगे ना 2-2 इंच पे छोड़ छोड़ के, तो मल्टीपल हमारे को ब्रांचेस मिलेंगी और उससे बढ़िया हमारी कैनेपी बन जाएगी। अब एक स्टॉक से हमारे को देखिए इतनी सारी कटिंग्स मिल गई, ये सब भी लग जाएंगे, इवन दो इट्स ग्रीन कटिंग है तब भी हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन वालों को भी लगा दें। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताता हूँ कि प्रोपोगेट कैसे करना है। कटिंग मैंने बता दिया, कटिंग ऐसे ले लेंगे हम और प्रोपोगेट अलग से करके बताते हैं। दूसरे वाले का भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया सेम प्रोसेस, यहां से फैनिंग हो रही है तो
ये वाला जंक्चर जो है, ये वाला जंक्चर काफी अच्छा है, उसको मैं हल्का हल्का सा बस ट्रिम कर दूंगा। इसमें से कटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं मिली। अब ये जो कटिंग है ये लग जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी दमदार कटिंग नहीं है। देखिए कितनी पतली कटिंग है, ग्रीन तो है ही और पतली भी है, तो इसके लगने के चांसेस कम होते हैं। हम अच्छी कटिंग भी आपको दिखाएंगे, कैसे अच्छी कटिंग इसमें से मिलेगी हमारे को। फिलहाल ये पेड़ में से ज़्यादा अच्छी कटिंग्स इसमें है नहीं। तो डन, ये वाला भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें से थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेते हैं, ये पुरानी पत्तियों को हटा देते हैं। अच्छा क्या है कि आप कुछ लोगों को लग रहा होगा अच्छा सा पेड़ था यार काट दिया, ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी काफ़ी इसमें मतलब डर सा ही लगता था, लेकिन क्या होता है, एक तो मौसम अच्छा है इस समय, यहाँ पर जर्मिनेशन हो जाएगा, काफ़ी नमी है, बरसात का सीज़न चल रहा है। और दूसरी बात, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो प्लांट फिर आप कैसे अपना मतलब आगे कैसे बढ़ेगा, वो कैसे बोनसाई बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक्सरसाइजेज मस्ट होती हैं। देखिए क्या प्लांट से अभी क्या बन गया है ये, अब यहाँ से सब जगह से इसमें भी शूट्स निकलेंगे नए नए, फिर मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा। ओके तो ये वाला ले लेते हैं, बड़ा वाला, इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी ब्रांचेस में से हमें मिलेंगी बहुत ही बढ़िया कटिंग्स, ठीक है। बड़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही जा रहा है स्टेम स्ट्रक्चर, इधर से ही तीन ब्रांचेस निकली, पहले एक दो तीन, फिर ऊपर जाके और भी ज़्यादा फैनिंग हो रही, तो एक बहुत ही शानदार एक्चुअली शेप में है। और अगर नहीं भी करेंगे इसको ऐसे लगाते हैं तो भी अच्छा है, बट एटलीस्ट एक साल में एक बार तो कटिंग प्रूनिंग रिपॉटिंग ये करना ही चाहिए। तो मेरा वही टाइम है, इसमें 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ, तो आज हम इसमें ये करेंगे ही करेंगे, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये वाले पोर्शन से करते हैं। तो ये वाला ब्रांच काफ़ी अच्छे से जा रहा है ना। अब हम इसको देखते हैं कि हम कितना कटिंग करना है हमें। ये कटिंग एक बढ़िया यहाँ से कटिंग मिल जाएगी हमको, एक अच्छी कटिंग बन सकती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे हम कैसे इसको बढ़िया कटिंग बनाएंगे, वो अलग से अभी वीडियो बनाता। नीचे वाले पत्तों को ट्रिम कर देंगे, साथ के साथ क्लीनिंग भी करनी सही रहती है। एक मैंने पत्ता इसमें छोड़ दिया है, ये वाला जैसे है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम कर देंगे। थोड़ा सावधानी से काम करना होता है इसके साथ, जरा सा आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो कट जाती है उंगली। जितने भी ये पुराने पेड़ पत्ते हैं उनको तो भी आप कट कर सकते हो ताकि नई ग्रोथ अच्छे से आ जाए। एक एक दो दो पत्ते छोड़ दीजिए बस। तो इधर से तो हो गई है, इधर का 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हैं इधर। ये एक बची है, इसको भी कट कर लेते हैं हम।
इसमें से भी काफी अच्छी कटिंग हमको मिल जाएगी। बस इसी तरीके से मैं पूरा कट करके फिर रिज्यूम करता हूँ, यही प्रोसेस हमने करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक करके दिखा दी, एक सेक्शन देखिए कितना सही एकदम हो गया है ना। ऐसे ही मैं पूरा कट करके फिर रिज्यूम करता हूँ। देखिए फाइनली हमने सारा क्लीनअप कर लिया है, एक साइड आपको दिख रहा है इस साइड, ये तीनों के तीनों जो है हमारे को डीमोल्ड करके उनका रूट अलग करके और रूट बॉल उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कराया, जैसे मैंने बताया छोटा ही रूट बॉल होता है इसका, हमने ऊपर से ब्रांच ट्रिमिंग कर ली है तीनों की। ठीक है, ये बड़े वाले की भी कर ली है, करीब करीब ये अब 1 kg के आसपास आ गया होगा, जो पहले 2 kg के आसपास था। और जो आप उधर देख रहे हैं पूरा स्टॉक, उससे मैं कटिंग बनाऊंगा अभी। ठीक है, तो उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो को अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो अभी हम इनकी सॉइल मिक्सचर और रिपॉटिंग करते हैं, 2 स्टेप बचे हुए हैं। चलिए तो सॉइल मिक्सचर देखते हैं, एकदम वेरी बेसिक सॉइल मिक्सचर है ये, तो हो गई सॉइल जिसमें लगा हुआ था। ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। इसमें आप देख लोगे वाइट वाइट क्या है, ये DAP है जो मैंने डाल के रखी हुई थी। अब ये जो सॉइल पहले से है इसमें रेत, बड़ी वो मोटी वाली रेत है वो मिली हुई है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोनसाई सॉइल में ही लगाया था। और भी काफी सारी ले लेते हैं, 3 को लगाना है। जो पुराने पुराने पॉट्स होते हैं उनको मैं यूज करता रहता हूँ। इसमें देखिए ये सारी पूरी बोनसाई सॉइल है, रेत इसमें मिली हुई है। तो ये सब रीयूज करते रहते हैं, कहाँ से लाएंगे, नहीं तो न्यू। बढ़िया, तो 2 कंपोनेंट हो गए हमारे, रेत और गार्डन सॉइल। थर्ड कंपोनेंट इसमें जाएगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। ये है कंपोस्ट, देखिए इसमें केचुए निकल रहे हैं। करीब करीब मैं इसमें 2 kg का पैकेट है ये, 1 kg मिला दे रहा हूँ, 50% कंपोस्ट हो जाएगी। बाकी टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइजर खली जो होती है ना अपनी, मस्टर्ड ऑयल खली, सरसों की खली बोलते हैं वो सब, और भी तमाम, ये केले की खाद, ये सब डालते रहते हैं। DAP हो गया, कभी कभी महीने में एक बार यूरिया भी, अगर गर्मियां नहीं है तो आप यूरिया भी डाल सकते हैं, 5 से 10 दाने, छोटा पॉट है तो, है ना। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हमारा सॉइल मिक्सचर रेडी, अब करते हैं पॉटिंग। तो एक बड़ा गमला पहले से ही देखिए, इसमें इतने सारे छेद हैं। अभी प्लास्टिक के ही पॉट से काम चलाएंगे, बोनसाई गमला मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल, नहीं तो ये वाला पेड़ जो है बोनसाई के कैंडिडेट है, गमले इसमें लगा सकते हैं बोनसाई गमले में, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं फिलहाल। आई थिंक ये वाला गमला इसको सूट करेगा, ऊपर ही उठा के मैं लगाऊंगा इसको ना। देखिए मैंने हाफ से भी ज्यादा भर दिया, ऑलमोस्ट 2/3 भर चुका हूँ, उसको ऐसे ही लगा देंगे, सॉइल से भर देंगे। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप रिपोर्टिंग करो तो एयर गैप जरूर चेक करो, एयर गैप रह जाएगा, एयर कॉलम बन जाएगा तो जड़ें जो है मर जाती है। एकदम टाइट हो गया, अभी नीचे नहीं जा रही है सॉइल, इसका मतलब सारे एयर जो पॉकेट्स थी वो भर गई हैं। थोड़ा सा और भर देते हैं, क्योंकि अभी जब हम इसमें वाटर डालेंगे ना तो ये सारा नीचे
एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको लगेगा कि वाटर के लिए जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ा सा। बस फर्स्ट प्लांट डन, बहुत ही इजी होता है। वैसे हम दूसरा ले लेते हैं कोई। को भी ऐसे ही सेम रखा, ओरिएंटेशन देख लीजिए एक बार ना, बीच में है तो भर दीजिए। टूल भी है मेरे पास भरने के लिए, लेकिन हाथ से ज्यादा फटाफट हो जाता है। और इसको इस तरीके से अच्छे से टैप, सेकेंड प्लांट डन। एक और ले लेंगे वही सेम प्लास्टिक का पॉट। ये क्या है, छोटे छोटे प्लांट लगाने का मेरा जो है, जैसे ये वाला है बड़ा वाला जो मैंने दिखाया आपको, बड़े वाले का तो मैं बना दूंगा सोल बोनसाई, है ना, इसका तो सिंगल बोनसाई बन जाएगा बड़े वाले का। जो छोटे वाले हैं उनका क्या करेंगे हम, उनका बनाएंगे फॉरेस्ट या क्लस्टर प्लांटेशन और भी टाइप के। ये देखिए अर्थवर्म भी हैं इसमें, काफी फायदेमंद होता है अर्थवर्म। इतना ऊपर मैं लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा ना, नीचे इसको जड़ों को जाने में पूरा पूरा रियल स्टेट मिलेगी, है ना, पूरी जगह है नीचे, ज्यादा बढ़ेगा और हमें अच्छी सी ग्रोथ मिल जाएगी। बस अब इन तीनों को वाटर करके हम रख देंगे सेमी शेड एरिया में।